हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, अब जो है हम एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो हमने फर्स्ट टू नाइन्थ तक किया था, अब टेंथ से जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10 इज ए पिग्गी बैंक कंटेन्स द 150 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज वन कॉइन्स एंड 20 रुपीज टू कॉइन्स, टू कॉइन्स ओके, सो एंड 10 5 रुपीज कॉइन्स। सो इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पहले 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 50 पैसे एंड 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। 50 पैसे के कितने हैं, 100 कॉइन्स है। नेक्स्ट 1 रुपीज के 50 कॉइन है, देन 2 रुपीज के 20 कॉइन है, देन 10 इज 5 रुपीज कॉइन्स, लाइक दिस वे। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, इट मीन्स वॉट, इसमें से क्या कर रहे हैं, इतने कॉइन्स तो है, इसमें से वन बाय वन कॉइन्स निकाल रहे। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, फर्स्ट वन इज विल बी ए फिफ्टी पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट हमारे को कॉइन टोटल कॉइन्स कितने हैं हमको ये देखना है। सो टोटल कॉइन्स कितने हो जाएगा, 150 मीन्स 150, 170 एंड 180 टोटल आउटकम्स। ओके, द पॉसिबिलिटी ऑफ टोटल आउटकम्स। सो हियर फर्स्ट आस्किंग, द फर्स्ट वन इज विल बी ए 50 पैसे कॉइन्स, सो वी हैव टू राइट ऑन द फर्स्ट दिस वन। सो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स आर 100, टोटल कॉइन्स आर 180। 180 हमको पता करना है द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी विल बी ए 50 पैसे कॉइन्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस प्रकार से एक बार हमको लिखना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, देन वी हैव टू पुट द वैल्यूज। 50 पैसे का है ना, हमको यहाँ पे 50 पैसे लिखे हम, तो इसके लिए क्या है, 50 पैसे का कितना है कॉइन्स, दैट इज द 100। 100 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 180। अगर हम इसको रिड्यूस भी कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, 10 से तो नहीं आएगा, ये आएगा 2 से आएगा, 2 5 2 9, सो दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 9। सेम थिंग सेकेंड वन, ही आर आस्किंग द सेकेंड वन। सेकेंड में क्या पूछ रहा है, विल नॉट बी द 5 रुपीज कॉइन्स। 5 रुपीज कॉइन्स नहीं होने के लिए, विल नॉट बी द 5 रुपीज कॉइन, इसको हटा देंगे, इसको हटा दिए अगर हम सपोज 5 रुपीज को, तो टोटल ये कितना होता, टोटल दिस इज द 170। अंडरस्टूड, सो आएगा ये 170 डिवाइडेड बाय 180, सो विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट रुपीज 5 कॉइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अंडरस्टूड? विल नॉट बी ए, फाइव को छोड़कर, फाइव के कितने कॉइन्स हैं वो छोड़कर बाकी के कितना होते, ये 170 होते. सो दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे 170 डिवाइडेड बाय 180. 0 0 कैंसिल, फाइनली आएगा 17 डिवाइडेड बाय 18. सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट द 5 रुपीज कॉइन्स. Now the question number 11. Gopi buys the fishes from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing the five male fish and the 6 female fish. So 5 kya hai? Male hai. And 8 kitne hai? Female hai. So total kitne ho jayenge? Total ho jayenge 13. Yes, fishes. That is figure is given here. What is the probability that the fish taken out is a male? Male के लिए हमको probability देखना है. So that is the 11th one. Total number of fishes, that is 5 male प्लस 8 फीमेल, कितना हो जाता 13 फिशेस. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर इन दिस वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल. प्रोबेबिलिटी ऑफ getting male fishes, male के लिए. So number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, total number of outcomes. So ये favorable outcomes हम कौन सा ले रहे हैं? Male का ले रहे हैं. Mate हो गया, male का ले रहे हैं. Okay, so male का ले रहे हैं, तो male कितने हैं? Male 5. So that is 5 divided by total is 13. Total is 13. So this is the answer. Now the question number 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest a point at one of numbers. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is the figure is given here. And these are equally likely outcomes. So what is the probability that it will point at 8? Yani, यहाँ पे फिगर है, इसके अनुसार यहाँ पे क्या कर रहे, एक गेम है, यहाँ पे इसको जो है स्पिनिंग कर रहे, तब जो है एक ही नंबर पे ये जो है स्टॉप हो रहा. तो यहाँ पे आउटकम्स क्या है हमको पता करना है. सो दैट नंबर्स आर, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ही नंबर पे स्टॉप हो रहा. सो फर्स्ट वन हियर आस्किंग द 8. टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पे? टोटल नंबर्स आर 8. So total numbers are 8. That is the total outcomes. First क्या पूछ रहा है यहां पे? The probability that it will point at 8. So the probability of
of getting the probability of 8 is number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. So हम यहां पे 8 के लिए ले रहे, तो इसमें जो है सिर्फ 8 एक ही बार है ना. So इसका इसके लिए 1 आएगा, divided by total कितने हैं from here to here. If we count this one, these numbers, then we get the 8. So total outcomes is 8. 8 में से 8 आने का अगर चांस हम घुमाएं तो एक चांस बनता. The second one is, second one here asking, and odd numbers. Odd numbers are 1, 3, 5, 7. चार हैं. So odd numbers के लिए क्या possibilities है, यहाँ पे क्या probability है. So here total नहीं चाहिए हमको, total तो already है. Odd numbers, odd numbers are, कौन से odd numbers, 1, 3, 1, 3, 5, 7. So this is the number of favorable outcomes divided by total outcomes. Total outcomes तो 80 आएगा, favorable outcomes कितना आएगा, इसको count करना है, 1, 2, 3, 4. ओके, 4 divided by 8 आएगा. So 4 divided by 8 हमको लिखना है. Odd numbers, so probability of getting odd numbers, so that is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Odd numbers कितने हैं, मैं यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, 4. So 4 divided by total तो यही आएगे, ये सारे के सारे 8. इसको reduce भी किए, 4 1s are 4 2s are, that is the 1/2. इस प्रकार से करना है. Now here the sub question, उसी के अंदर sub questions third one है. Third one, 12 का third, a number greater than 2. पहले number और एक बार लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इतने number थे. Number greater than 2. Greater than 2 means these are the greater than 2. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 है ना. Numbers greater than 2 are, कौन से हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are the numbers greater than 2. So number greater than 2 is 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितने हैं, 6 हैं. तो हमको क्या find out करना है, the number greater than 2. So the probability of greater than 2. So number of favorable outcome divided by total number of outcomes. So number of the favorable outcomes मतलब ये इसके अनुसार 2 से बढ़कर कितने हैं, 6 है totally, 1, 2, 3, 4, 5, 6. total outcomes कितने हैं, 1 to 8, 8 है. So that is the, sorry, 6 लिखना है ना, 6 divided by 8,
रिड्यूस होता है, रिड्यूस कर सकते हैं, टू थ्री जा एंड टू फोर जा, लाइक दिस वे। अभी एक है फोर्थ वन, नंबर लेस देन नाइन, फोर्थ वन नंबर लेस देन नाइन, नाइन से छोटा, नाइन से छोटा, नाइन तो है ही नहीं, उससे छोटे बोलते ये सारे आएंगे। यस, नंबर लेस देन नाइन आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सारे के सारे आएंगे। सो नंबर लेस देन नाइन इज वन टू एट, इफ यू काउंट दिस वन टोटल इज एट। सेम थिंग हमको यही लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ नंबर नंबर्स नंबर्स लेस देन नाइन, सो दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेस देन नाइन के कितने हैं, लेस देन नाइन बोल तो यही आएंगे, वन टू थ्री फोर अप टू टोटल, इफ यू काउंट दिस वन द टोटल इज एट, एंड टोटल आउटकम्स हमने पिछले भी लिखा ना, टोटल आउटकम इज एट, सो दैट इज इक्वल टू एट डिवाइडेड बाई एट, इट मीन्स वन, सो दैट इज द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, ए डाइस इज थ्रोन वंस, डाइस को जो है एक बार थ्रो कर रहे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फर्स्ट वन इज 13 में फर्स्ट, 13 में फर्स्ट ए प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर, ए प्राइम पूरा लिखेंगे नंबर, सो गेटिंग ए प्राइम नंबर्स। डाइस में कितने फेज होते हैं, सिक्स फेज होते हैं, और हर फेज पे क्या होता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, या तो नंबर होते हैं या डॉट होते हैं। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए प्राइम नंबर्स, गेटिंग ए प्राइम नंबर्स, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सो व्हाट इज द प्राइम नंबर्स आर हियर, द प्राइम नंबर्स आर टू थ्री फाइव, यस यू नो दैट द प्राइम नंबर्स मीन्स इट्स हैव द टू फैक्टर्स इज कॉल्ड द प्राइम नंबर्स, 2, 3 and 5 is the prime numbers. In a dice, prime numbers are 2, 3 and 5. So, number of prime number is 3, 1, 2, 3. टोटल नंबर्स ऑन डाइस कितने हैं, टोटल नंबर काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम्स, हमको कौन सा फेवरेबल आउटकम्स चाहिए, प्राइम नंबर का चाहिए, तो प्राइम नंबर के कितने हैं, वन टू थ्री है, सो दैट इज थ्री डिवाइडेड बाय, टोटल कितने हैं, टोटल सिक्स है, सिक्स रिड्यूस किए, थ्री वन जो थ्री टू जो वन डिवाइडेड बाय टू, सो लाइक दिस वे द नेक्स्ट वन इज द नंबर, ए नंबर लेइंग बिटवीन टू एंड सिक्स, टू और सिक्स,
टू और सिक्स के बिटवीन के नंबर्स कितने हैं, इसके प्रोबेबिलिटी चाहिए, थ्री है, थ्री फोर फाइव. सो सेकेंड वन इज ए नंबर लेइंग बिटवीन टू एंड सिक्स. ए नंबर लेइंग बिटवीन टू एंड सिक्स. सो नंबर्स बिटवीन टू एंड सिक्स आर कौन से कौन से हैं, थ्री फोर एंड फाइव. सो नंबर्स बिटवीन टू एंड सिक्स इज वन टू थ्री, वन टू थ्री, काउंट दिस वन. नेक्स्ट हमें इसको सेम ऐसे ही लिखना है, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो इसको रफ करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स बिटवीन 2 एंड 6 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. कौन सा ले रहे फेवरेबल आउटकम्स, टू और सिक्स के बिटवीन वाले नंबर कितने हैं काउंट करके लेना है. सो दैट इज थ्री फोर फाइव. सो कितने हो रहे, थ्री हो रहे, ओनली थ्री. सो थ्री डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, टोटल इज सिक्स. अगेन इट इज रेड्यूस मीन्स वन डिवाइडेड बाय टू, वन डिवाइडेड बाय टू. सो नाउ और एक है इसमें, थर्टीन थर्ड एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर. सो इन दिस वन ऑड नंबर्स आर, ऑड नंबर कौन से हैं इसमें, वन थ्री फाइव, थ्री आ रहे. गेटिंग ऑड नंबर्स आर वन थ्री फाइव. सो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज थ्री, वन टू थ्री. प्रोबेबिलिटी डबल हो गया ना, probability of getting odd numbers, number of the favorable outcomes divided by total number of outcomes, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Odd numbers कौन से, वन टू थ्री, टोटल कितने हैं सिक्स है, थ्री वन जा थ्री टू जा सेम थिंग, वन डिवाइडेड बाय टू, इस प्रकार से आएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 14. Once a card is drawn as a well-shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting a king of red colors. तो ये जो है एक्चुअली किसके ऊपर है क्वेश्चन, ये डेक कार्ड, तो जो ताश के पत्ते होते हैं ना उसके ऊपर है. सो फर्स्ट वन इज आस्किंग ए किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर. एक्चुअली क्या होते हैं,
एक सेट में 52 कार्ड्स होते हैं। तो फर्स्ट कार्ड क्या होते हैं, फर्स्ट एक आता है स्पेड, इसमें 13 कार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट आएगा हार्ट, देन और एक आएगा स्पेड एंड डायमंड। सो डायमंड एंड स्पेड ऐसे आएगा, स्पेड सॉरी स्पेड हो गया ना। और एक आएगा यहां पे है ये बुक में पेज नंबर, और इसके कलर्स भी जो है डिफरेंट होते हैं, दैट इज द पेज नंबर 301। और एक आएगा क्लब, क्लब्स। सो स्पेड ऐसे आएगा, कुछ ऐसे शेप में आता है। देन हार्ट, हार्ट तो हमको पता है ये हार्ट आएगा, ये आएगा डायमंड, फिर एक आएगा क्लब्स ऐसे। इसमें ये दो जो है रेड होते हैं, ये ब्लैक होता, ये भी ब्लैक होता। अब इसमें जो है इन ईच सेट 13 कार्ड्स में 13 कार्ड कैसे होते हैं, फर्स्ट वन इज द किंग, क्वीन, जैक, जोकर बोलते थे जैक, देन ए एंड देन रिमेनिंग 2 to 9, 9, 10। ये कितने हो गए इंक्लूडिंग 2, ये हो गए 9, 10, 11, 12, 13 हो गए ना टोटल। सो हियर फर्स्ट वन इज आस्किंग इन दिस वन ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड रेड कलर। सो रेड कलर में किंग, अब ये दोनों में रेड आएंगे, बाकी जो है ब्लैक और ब्लैक है। सो देर आर टू सेट्स हैविंग द रेड कार्ड्स, तो इसमें एक किंग आएगा, इसमें एक किंग आएगा, है ना। सो उसका हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। द फर्स्ट वन इज ए किंग ऑफ रेड कलर। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन डेक आर कितने होते हैं, 13, 13, 13, 13, 52 होते, 52। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड रेड कलर। सो क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हार्ट में रेड किंग, हार्ट में ही है रेड किंग्स, ओनली रेड किंग्स हियर आस्किंग, हार्ट में बोल के नहीं यहां पे, रेड किंग्स, कलर ऑफ रेड किंग्स। सो दीज टू सेट्स आर द रेड, इसमें किंग आएगा, इसमें किंग आएगा, तो कितने होंगे टोटल, टू किंग्स। सो दैट इज इक्वल टू यहां पे लिखेंगे 2 / टोटल कितना है 52, इसको रिड्यूस किए 2 1 2 2 4 2 6 इतना आएगा, दैट इज वेरी इजी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या है यहां पे, ए फेस कार्ड, ए फेस कार्ड,
ये तो हो गया, हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। नंबर ऑफ फेस कार्ड आर, फेस कार्ड क्या होते हैं? ये होते हैं किंग क्वीन एंड जैक। तो एक एक सेट में थ्री थ्री आते, सो थ्री 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 थ्री, दैट इज द किंग क्वीन एंड जोकर, टोटल फेस कार्ड इज थ्री 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 थ्री, सो थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फोर जा ट्वेल्व, इसको बोलते हैं फेस कार्ड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ फेस कार्ड, सो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेस कार्ड कितने हो रहे हैं? फेस कार्ड हो रहे 12, हमने यहां पे लिखा है 12 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड, ये चारों सेट के टोटल कार्ड कितने हो रहे? 52 हो रहे, 52, इसको रिड्यूस कर सकते हम, 4 से आएगा, 4 थ्री जा 12, 4 वन जा 4, एक बाजू लिए, 4 थ्री जा, सो दिस इज द आंसर। Now the third one, a red face card. A red face card. अब रेड वाले तो ये दो ही है, तो इसमें थ्री, इसमें थ्री, टोटल कितने होते हैं? सिक्स होते। नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड इज सिक्स, इज और भी लिख सकते, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स यहां पे ले लेंगे हम 52, आउटकम्स शॉर्ट में लिखा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, फेवरेबल आउटकम्स किसका, किसके चाहिए हमको? रेड फेस कार्ड, ये दो हैं रेड रेड कार्ड्स, इसमें थ्री और इसमें थ्री, वो थ्री कौन से हैं? किंग क्वीन एंड जैक, सो दैट इज कितने हो जाते हैं? सिक्स, सिक्स डिवाइडेड बाय 52, सो इट इज रिड्यूस्ड बाय थ्री टेबल, थ्री टू जा, थ्री से नहीं आएगा, टू से ही आएगा, टू थ्री जा एंड दिस इज द 26, दिस मच। देन ये थर्ड था, टू लिखे हम, देन फोर्थ वन, फोर्थ वन इज द जैक ऑफ हार्ट, हार्ट हार्ट में जैक, हार्ट ये हार्ट है, इसमें जैक एक ही रहता, नंबर ऑफ नंबर ऑफ जैक इन हार्ट इज वन, सेम थिंग यही लिखना है, सब्स्टिट्यूट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक इन हार्ट, सो दैट इज इक्वल टू
ऑफ भी डाल सकते हैं हम, या सेट के अनुसार अगर देखें तो इन भी डाल सकते हैं। क्या आएगा अब, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो कितना आ रहा, एक ही आ रहा है यहां पे, सो वन डिवाइडेड बाय 52, बस खत्म। जैक तो टोटली फोर आते हैं, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, पर यहां पे सिर्फ हार्ट का ही पूछ रहा, सो ओनली वन, वन डिवाइडेड बाय 52। नाउ द फिफ्थ वन, ए स्पेड, स्पेड कितना है, ये है स्पेड, इसमें कितने आते, 13 आते। नंबर ऑफ कार्ड्स इन स्पेड 13, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड, 52 में से स्पेड आने के चांसेस कितने हैं, यही है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो अब ये फेवरेबल आउटकम्स हमको चाहिए स्पेड के, सो दैट इज द 13 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द आउटकम इज 52। इसको रिड्यूस किए, 13 वन जा 13 फोर जा 1 डिवाइडेड बाय 4, इस प्रकार से आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम सिक्स्थ वन पर, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सिक्स्थ वन क्या है यहां पे, द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड का क्वीन, सो दिस वन इज द डायमंड, इन द डायमंड ओनली वन क्वीन, नंबर ऑफ क्यू यू डबल ई क्वींस ऑफ डायमंड कितने होते, ओनली वन, एक ही होता डायमंड में, हर एक में एक एक होता, लेकिन यहां पे पर्टिकुलरली डायमंड पूछ रहे ना, इसलिए वन आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ओके। सो कितना है, क्वीन तो एक ही है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 52, इस प्रकार से आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, फाइव कार्ड्स, 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, लिख लेंगे पहले 10, एक तो 10 है, जैक क्वीन किंग एंड एस, ये कार्ड है फाइव ऑफ ए डायमंड, डायमंड के हैं, आर वेल शफल्ड विथ देयर फेजेस डाउनवर्ड्स, तो ये वेल शफल्ड करके ऐसे रख दिए, वन कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, द फर्स्ट वन इज, एक एक कार्ड उसमें से ले रहे 15 फर्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, क्वीन आने के चांसेस कितने हैं, एक ही है ना, नंबर ऑफ द क्वींस,
is 1. Then probability of getting queens, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. फेवरेबल आउटकम्स हमको चाहिए यहाँ पे क्वीन के, सो 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, टोटल 5 है, 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस 5. यस, नाउ द सेकेंड वन, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब क्वीन को जो है ले लिए उसके बाद साइड में रख दिए, अब कितने बचे, 4 बचे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एस, इसमें ए है, एन एस, मतलब क्वीन को जो है पिक करें और बाजू रख दिए, अब बच रहे कितने हैं, टोटली 4 बच रहे हैं. सो यहां पे पूछ रहा एस आने के चांसेस, नंबर ऑफ एस ऑफ कौन सा है, यहां पे ऑफ बोले तो किसका ले रहे हम, यहां पे जैक क्वीन एस ऑफ द डायमंड, ऑफ डायमंड, डायमंड इज 1. अब 4 में से एस आने का चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स, हम कौन सा फेवरेबल आउटकम्स ले रहे एस आने के लिए, तो कितना है वो है टोटली 1 डिवाइडेड बाय, अब ये जो है क्वीन को असाइड बाजू रख दिए, बच रहे कितने 4, 1 डिवाइडेड बाय 4. और एक है इसमें बी, बी क्या है यहां पे, ए क्वीन दैट इज द सेकेंड बी, ए क्वीन. अब क्वीन तो बाजू रख दिए, क्वीन कहां से आएगा, क्वीन नहीं आएगा. हियर इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, द क्वीन पुट असाइड, बाजू रख दिया, साइड मीन्स बाजू रखना, असाइड so number of queens is 0. अब है ही नहीं, बाजू रख दिए है ही नहीं, तो उसमें कहां से आएगा, 0 ही है, 0 ही आएगा. so probability of getting queen, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. क्या हो जाएगा ये favorable outcomes, हम queen का ले रहे, queens getting aside, बाजू रखने के बाद कहां से आएगा, नहीं आएगा, तो so that is 0 divided by total कितने हैं, queen को हटा दिए फर्स्ट टाइम में, एक बार ही लिए उसके बाद हटा दिए, बच रहे कितने, अब इसमें से 1 2 3 4 इसमें से क्वीन को ले रहे, क्वीन है ही नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 4 इट मीन्स दैट इज द 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर मीन्स 0. क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव पेंस
आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद द 132 गुड पेन्स. गुड पेन में 12 जो है डिफेक्टिव पेन मिक्स किए. इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव. जस्ट नहीं कर सकते, पूरे मिक्स हो गए इसमें. वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडमली फ्रॉम दिस लॉट, मतलब उसमें से एक 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 पेन ले रहे लॉट. सो व्हाट आस्किंग हियर, इट इज नॉट पॉसिबल टू लुक एट द पेन एट टेल वेदर whether or not it is defective. Once pen is taken out at randomly from this lot, determine the probability that the pen taken out is a good. मतलब good आने के लिए हमको क्या है, probability find out करने का है. Total number of the pens. So this is the 16. Total number of pens. कितने हैं? एक तो 12 defective है, plus 132 एक है. दोनों मिला कितने होते, 144. यस, नंबर ऑफ गुड पेन्स. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वंस. टोटल गुड पेन्स, गुड पेन्स ये है, डिफेक्टिव ये है. दिस इज द डिफेक्टिव एंड दिस इज द गुड पेन्स, 132. अब इसका प्रोबेबिलिटी हमको देखना है. दोनों मिक्स किए करके एक बॉक्स में डाले, अब वन बाय वन उसमें से ले रहे, तो उसमें से क्या ले रहे, गुड पेन्स ले रहे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ टेकिंग गुड पेन्स. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स, कौन सा फेवरेबल आउटकम्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. हमको गुड पेन लेना है. सो 132 divided by total number of the outcomes, that is total number of the pens, 144. Reduce होता है ये, reduce होता है तो reduce करना है, वरना हमको यहीं पे stop करना है. It may be 12 से reduce होता. 132 divided by 144, 12 ones are, so that is 11 divided by 12. इस प्रकार से आएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 17. सो हियर फर्स्ट वन, इसमें भी दो सब क्वेश्चन है. ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेनिंग द 4 डिफेक्टिव वंस एंड वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट That this bulb is defective. Probability of the defective bulbs. मतलब 20 में से 4 जो है defective है. It means what? 4 अगर defective है, so 16 क्या हो जाएंगे? 16 अच्छे वाले bulb होंगे. Yes. So 17. First one. Number of defective बल्ब 4, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, 20 है. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटेनिंग, फर्स्ट वन इज one bulb is drawn at randomly from the lot, what is the probability that this bulb is defective. Probability of a defective bulb, that is number of
फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. मीन्स डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव 4 है डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 20. 4 वन्स आ 4, 5 आ, सो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 5. फर्स्ट वन. नाउ द सेकेंड वन. हियर सपोज द बल्ब ड्रॉन इन द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन में से एक जो हम क्वेश्चन किए ना उसमें से एक बल्ब जो है हटा दिए, इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट प्लेस्ड. मतलब टोटली नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने थे, 16 थे. 16 में से एक बल्ब हटा दिए, कितने बचे यहाँ पे 15. टोटली 20 थे. 20 में से क्या थे, 4 जो है डिफेक्टिव थे और टोटल और जो है इसमें 16 क्या है अच्छे वाले थे, गुड वाले थे, दोनों मिला के 20 हो रहे थे. अब इसमें से एक बल्ब क्या है, सॉरी 15, एक बल्ब जो है हटा दिए क्या में से, गुड में से. इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट प्लेस, पर हटा के उसको दूसरे कोई और नहीं रखे यहाँ पे. नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, बाकी उसमें से एक 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 बल्ब निकालते गए. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी हमको देखना है. सो थोड़ा ध्यान से, ये तो फर्स्ट वाला था, दिस इज द टोटल, दिस इज द गुड वन एंड दिस इज द डिफेक्टिव वन. तो हम क्या करें यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन के अनुसार गुड में से एक बल्ब हटा दिए, हटा दिए ना, तो टोटल कितना हो गया 15 हो गया. तो गुड कितने हो जाएंगे, गुड हो जाएंगे 15 और डिफेक्टिव तो सेम एज इट इज ही है, सो दिस इज द डिफेक्टिव. ये टोटल कितना हो जाता, इसका 19 हो जाता. अंडरस्टूड? सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स दैट इज 19. यस, सो नॉट डिफेक्टिव नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15. प्रॉबिबिलिटी ऑफ ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, नॉट डिफेक्टिव बल्ब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड वन क्वेश्चन, एक हटाने के बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आ जाएगा कौन सा आएगा, दैट इज द नॉट डिफेक्टिव. नॉट डिफेक्टिव पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कितने थे, 16 थे, इसमें एक हटा देने पर 15 हो जाएंगे. 15 डिवाइडेड बाय, क्योंकि टोटल में से भी हट गया, कितना हो जाता 19. लाइक दिस वे वी हैव टू सॉल्व. नाउ द क्वेश्चन नंबर 18. ए बॉक्स कंटेन 19 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 90. एक बॉक्स के अंदर डिस्क हैं छोटे छोटे से, फ्रॉम 1 टू 90 उसके ऊपर नंबर, राउंड शेप में जो आते हैं ना उसको डिस्क बोलते हैं. 1 टू 90 नंबर्स है. इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, उसमें से एक 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 रैंडमली वन बाय वन निकाल रही, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स द फर्स्ट वन इज टू डिजिट नंबर. अब हमको फर्स्ट वन देखना है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18. द फर्स्ट वन इज टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर्स. फर्स्ट टू फ्रॉम फर्स्ट टू 90 बोलते, टोटल नंबर काउंट किए तो कितने होते, 90 होते. टू डिजिट नंबर्स कौन से होते, टू डिजिट नंबर होते फर्स्ट से लेकर 9 तक होते. इसका टोटल कितना होता, ये 90 होता. काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 अप टू 90 तक करेंगे तो ये 90 हो जाएगा.
और ये वन डिजिट वाले नंबर, ऐसे नंबर जिसके अंदर एक ही नंबर आता, ये कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो 1 से लेकर 90 तक टू डिजिट वाले नंबर कितने होते हैं? दैट इज 90 माइनस 9, ओके 1 एंड 8, 81 होते हैं। तो 81 बोले तो कौन से आएंगे? 10 से स्टार्ट होगा, 10 to 90, काउंट करते जाओ। इससे पहले वाला 9 जो है 1 डिजिट वाला नंबर है, 10 से 2 डिजिट आ रहे हैं, 1 एंड 0, सो 10, 11, 12, 13, 14, 15 अप टू द 90, टोटल कितने होते? 81 होते। सो फर्स्ट ही आर आस्किंग टू डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर्स फ्रॉम 1 to 90 इज 90, टू डिजिट नंबर्स इज 81। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ टू डिजिट नंबर इजी है, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, अकॉर्डिंग टू द टू डिजिट नंबर टोटल कितने आ रहे? टोटल आउटकम्स आ रहे हमको 90 आ रहे, 1 से 90 तक 90 होते, यस। अब फेवरेबल आउटकम्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस टू डिजिट नंबर 81, इसको रिड्यूस करेंगे, सो 9 9 9 10, बस। सेकंड वन, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फ्रॉम दिस नंबर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 टू 90 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर 1 4, 2 का हो गया 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, एंड 8 8 64, 8 8 64, 9 9 81, एंड 10 10 100 हो जाता, वो ज़्यादा हो जाता। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो रहे टोटली? 9 नंबर्स हो रहे। सो यहाँ पे क्या पूछ रहा, हियर इन दिस वन आस्किंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर 1 4 9 16 25 36 49 81, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहाँ पे 9 कैसे हो रहा, एक छूट गया, 1 4 9 16 25 36 49 64, एक छूट गया, 64 एंड 81 इज कितने हो रहे हैं? 9 हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? फेवरेबल आउटकम्स अकॉर्डिंग टू द सेकंड वन क्वेश्चंस परफेक्ट स्क्वायर, उसके लिए मैंने यहां पे लिखा, इसको देख सकते हैं हम कितने हैं, टोटल इज 9 डिवाइडेड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं? 9 है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 90 है, सो दैट इज 90, 9 1 9 10 1 डिवाइडेड बाय 10, ऐसे आएगा।
थर्ड वन इसमें है, थर्ड वन देखते हैं। ए नंबर डिविजिबल बाय फाइव, ए नंबर डिविजिबल बाय फाइव, फाइव से कट होने वाले नंबर्स। सो यहाँ पे लिखेंगे, सो क्या आएंगे, पूरा फाइव का टेबल आता अप टू कहाँ तक है, ये अप टू 90 तक है। सो टोटल कितने होते हैं डिविजिबल बाय फाइव, अगर हमको इजीली पता करना है 90 डिवाइडेड बाय फाइव कर देना, फाइव वन ज़ा फाइव वन ज़ा फाइव, कितने बचते हैं यहाँ पे फोर, एट ज़ा। सो टोटली 18 नंबर्स होते, टोटल 18 नंबर्स होते दैट इज डिविजिबल बाय फाइव। कैसे होते हैं, एक तो आएगा फाइव, 10, 15, 20, 25, सो ऑन अप टू द 90, अप टू 90 कितने होते हैं आप चेक करके देख सकते, टोटल 18 होते हैं। टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय फाइव आर 5, 10, 15, सो ऑन अप टू द 90 इज 18, इज 18 लिख के काउंट करके भी देख सकते हैं। प्रॉबिबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय फाइव, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो रहे हमारे, 8 हो रहे। अगर हम इसको लिख के काउंट करेंगे तो 18 आएगा, 18 डिवाइडेड बाय टोटल तो हमने फर्स्ट सेकंड में भी किया 90। यस, 18 वन जा 18 फाइव जा, सो 1 डिवाइडेड बाय 5, सो दिस इज द आंसर। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 19 है, तो 19 में यहाँ पे एक फिगर दिया, तो फिगर के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए चाइल्ड हैज ए डाइस हुज सिक्स फेजेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी ई एंड ए, एक रिपीट आ रहा। The dice is thrown once. What is the probability of getting A? The first one is getting A. A आने के चांस कितने हैं? तो यहां पे क्या है, A, B, C, D, E and A. A कितना आ रहा, टू टाइम्स आ रहा, ए आ रहा टू टाइम्स आ रहा है इसमें, है ना, ए बी सी डी ई एंड ए। सो वी हैव टू राइट हियर द टोटल नंबर ऑफ द फेसेस हैविंग ए, टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग एस कितने हैं, टू है, है ना, टू। देन द टोटल नंबर ऑफ द फेसेस, सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ए कितने हैं, वन टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आवाज कर रहा है पेन। सो ये कितना है,
ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस क्या है? ए आने के दो चांसेस है क्योंकि वहाँ पे दो बार है। तो टोटल फेस कितने हैं डाइस पे? 6 है। इसको रिड्यूस किए तो 1/3। सेकंड वन इज, सेकंड आई थिंक बी होना चाहिए, कहाँ गया, डी है, डी है, डी तो एक ही है, सो 1/6 आएगा ये। टोटल नंबर ऑफ फेसेस having d is 1 so probability of getting a na d sorry a bulki a ara d number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। अब favorable outcomes कौन सा है हमारा? हमारा है favorable outcomes D वाला है। तो D कितने हैं यहाँ पे? D is 1, एक ही है, 1/1 कितना है? 6। बस खत्म है।